नमस्कार, एनवी न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास परिसर में तीजा पोरा तिहार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं इस त्योहार का उत्सव मनाने मुख्यमंत्री निवास में पहुंची है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनकी धर्म पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल सहित परिवार के लोग उपस्थित है। इसके साथ ही संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी इस अवसर पर मौजूद है। राहुल गांधी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। बिलासपुर में भरोसे का सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन के बहाने राहुल छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। ग्रामीण आवास न्याय योजना की भी शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवारों को सरकार के रवैये के कारण आवास से वंचित होने का आरोप लगाया है। डैमेज कंट्रोल करने राज्य सरकार ने ग्रामीण हितग्रहियों को साधने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की है। अब इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में संभाग के 25 सीटों पर दिख सकता है। 6 महीने पहले जब बीजेपी ने चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत की थी, तब प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे जमकर उठाए थे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना पीएम आवास के राज्य में क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश सरकार पर राजनीति करने और जानबूझकर राज्यांश जमा न करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, बेलपत्र और गिलर के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ राष्ट्रीय कराटे टीम के हेड कोच प्रथम विश्वमित्र अवार्डी जयदेव शर्मा तथा कराटे में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित प्लाश समाधिया, कराटे के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता राहुल शुक्ला, कराटे में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त चिराग पवार ने पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ 1.5 वर्षीय बालिका यशस्वी यादव के माता पिता विशाल यादव और श्रीमती नेहा यादव ने पौधे लगाए। शिवांश शर्मा और आयुषी गोयल ने भी अपने जन्म दिवस पर पौधारोपण किया। सर्व अनिकेत सिंह चौहान, हर्ष चौहान, सुकविता चौहान, जयवती चौहान, प्रशांत गोयल और प्रिंस गोयल भी पौधारोपण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई अन्य विजेताओं ने आज पौधारोपण किया। श्यामला हिल स्थित जगह में बेलपत्र, बरगद और गुलमोहर के पौधों का रोपण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तमाम विजेताओं के साथ पौधारोपण किया। श्यामला हिल स्थित उद्यान में लगाए गए पौधे बेलपत्र, बरगद और गुलमोहर के का पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कराटे खिलाड़ियों के साथ पौधारोपण किया, बेलपत्र, बरगद और गुलमोहर के पौधे लगाए। श्यामला हिल स्थित उद्यान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कराटे खिलाड़ियों के साथ पौधे लगाए हैं। बेलपत्र, बरगद और गुलमोहर के पौधों को लगाया गया। इस दौरान कराटे खिलाड़ियां सभी मौजूद रहे। वहीं छिंदवाड़ा में शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने आए शिवसेना उद्धव गुट नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि कमलनाथ ने मैं यही पूछने आया हूं कि शपथ ग्रहण समारोह का समय और तारीख कौन सी है। मुझे आपको वापस सीएम की कुर्सी पर देखना है। मध्य प्रदेश और यहां की जनता के लिए वहां मुझे आपको देखना है। इस दौरान उन्होंने मंच से 2024 से पहले और आपके गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम जनता से पूछे।
INDIA का जिक्र करते हुए ठाकरे ने बीजेपी को भी घेरा। आदित्य ठाकरे प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरा और कमलनाथ को भी यहां पर घेरा गया। कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा कि आप तारीख बताइए, आप कब सीएम की कुर्सी में बैठेंगे। आदित्य ठाकरे प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरा। बता दें, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने आदित्य ठाकरे पहुंचे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरा और इसके साथ ही कमलनाथ को कटघरे में खड़ा किया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे आदित्य ठाकरे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने आदित्य ठाकरे पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कमलनाथ से भी कई सवाल किए। उनसे पूछा कि आप वापस से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब बैठेंगे, वो तारीख बताइए। इसके साथ उन्होंने बीजेपी को घेरा, बीजेपी से कई सवाल किए। बीजेपी के मध्य प्रदेश में चल रहे कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में तस्वीर पहले कैसी थी और अब महंगाई कितनी बढ़ गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे आदित्य ठाकरे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और कमलनाथ से ये सवाल किया और कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में वापस बैठेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा के पाणुआ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने महाराज के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पहुंचे, इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी सीएम बताया। इसी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये वो कमलनाथ जी है जिन्होंने सोसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सोसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं ये जो फसली और नकली होते हैं ना मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। सर, गंगा जल लेके घर जाने की बात, गंगा जल लेके घर जाएंगे, 11 वचन जो है उसी कसमें खाएंगे हम घर जाके। देखो, जनता हम पे विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है, तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए।
कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आरंभ आज भानपुर से हुआ। यहां लोगों में यात्रों को लेकर भारी उत्साह नजर आया। भानपुरा की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा के नेतृत्वकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक जीतू पटवारी ने यात्रा प्रारंभ होने के पहले जगत जननी माँ दुधाखेड़ी माता जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके पहले पटवारी ने शहीद किसान अभिषेक पाटीदार के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले शिवराज सरकार मंदसौर में किसानों के शहादत को भूल चुकी है, लेकिन किसान अब तक सरकार के अत्याचार को नहीं भूल पाए। किसानों की लागत दोगुनी हो गई है और आय आधी हो गई है, फिर भी शिवराज सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, अपने विधायक सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में बैठी हुई हमारी माताएं और बहनें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा कि आप सब यहाँ आए। नौजवानों और प्रिय साथियों, बहुत खुशी होती है मुझे यहाँ आकर। बहुत सारे पुराने चेहरे दिखते हैं जिनसे बहुत पुराना संबंध है, इनमें माताएं और बहनें भी हैं जिनसे बहुत पुराना संबंध है। यहाँ आकर पुराना समय भी याद आता है, नए चेहरे भी दिखाई पड़ते हैं, ये एक हमारी सफलता है। मुझे ज्यादा नहीं कहना कि परासिया क्या था सन 80 में, 44 साल होने जा रहे हैं। यहां कोई पैसेंजर गाड़ी लोगों ने देखी नहीं थी, केवल मालगाड़ी देखी थी। यहां कितनी सड़कें थी पूरी परासिया ब्लॉक में। आज धीरे धीरे हम आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है, ये हमें याद करना है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है अपने बच्चों को और आज भटक रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश पे, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। और शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो उन्हें कहता हूं, शिवराज जी आप जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए, 1 लाख की चिंता मत करिए। जो आप घोषणाएं करते हैं, अभी आप देख रहे हैं पिछले 5 महीनों में, क्योंकि चुनाव पास में है, शिवराज जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। मध्य प्रदेश चुनाव में अब गंगाजल की एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस 10,000 घरों में गंगाजल की बोतल बांटेगी। इसकी शुरुआत इंदौर से होगी, फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में गंगाजल का वितरण किया जाएगा। इसी पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओबीसी डिपार्ट के हमारे इंदौर के लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री हिमांशु यादव जी, उन्होंने इंदौर के संदर्भों में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए उन्होंने किया है। कमलनाथ जी के 11 वचन जो उन्होंने जनता को दिए हैं, उन वचनों का स्मरण दिलाते हुए गंगा जल की बोतल वो हर घर जाकर वितरित करेंगे और 1-2 दिन में उसका शुरुआत हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो यह है कि जितनी पवित्रता गंगा जल की है उतनी ही पवित्रता माननीय कमलनाथ जी के वचन में है। जो वो कहते हैं सो करते हैं, उसी स्मरण का आभास दिलाने के लिए हमारे साथी वहाँ पर इंदौर में ये पोस्टर्स और गंगा जल का वितरण करेंगे। आपको लगता है कि इससे लाभ होगा? जो मेरी हिमांशु जी से बात हुई है उनका कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि राजनीति में अपने वचन की पवित्रता और कटिबद्धता होनी चाहिए।
जो मौजूदा नेताओं में नहीं है। और कमलनाथ जी का इतना विश्वास जनता में है कि वो वही कहते हैं जो वो कर पाते हैं। लेकिन सर, पवित्रता को साबित करने के लिए आपको गंगाजल का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए कि इस अपवित्र राजनीतिक माहौल में जब हमारी जिंदगी पवित्रता से संवार सकता है गंगाजल, तो हमारे वचनों को क्यों नहीं संभाल पाएगा, क्यों नहीं संवार पाएगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता के बीच गंगाजल लेकर जा रहे हैं। वहीं से बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भोपाल से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए जीतू पटवारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जन आक्रोश यात्रा में मालवा की मिली थी जिम्मेदारी है, कमेटी में 30 से ज्यादा नेता पहले से है शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी, कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए जीतू पटवारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा में मालवा की मिली थी जिम्मेदारी, कमेटी में 30 से ज्यादा नेता पहले से हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश चुनाव में अब गंगाजल की एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस 10,000 घरों में गंगाजल की बोतल बांटेगी। इस पर बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के लोगों ने इतना पाप किया है, मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने की सरकार में उन्होंने जनता के साथ झूठ बोला, हर गरीब जनता के हक और अधिकार को छीना, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके आपने हक छीना, 2 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में लोगों को घर घर पानी मिलता वो आपने लैप्स करके वापस भेज दिया। तो आप इतने पाप कर चुके हैं तो आपको जनता में इतना अविश्वास है आपके खिलाफ कि अब आपको गंगा जल लेना पड़ रहा है। और मिस्टर करप्शन नाथ और बंटाधार को मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो पाप किए हैं इन पापों को धो पहले, और आप 50 साल तक गंगा स्नान करेंगे तब भी आपके पाप नहीं धोएंगे। इसलिए आपका ये आडंबर, आपका ये झूठ और छल कपट, आपका ये ढोंग मध्य प्रदेश की जनता जानती है, और इसलिए इन चीज़ों को जनता अच्छे तरीके से पहचानती है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, कौन से वादे पूरे किए थे क्या जनता जानती नहीं है? जनता मध्य प्रदेश की बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, जनता सबको जानती है कि आपने क्या किया था 15 महीने में। और 2003 से पहले एक मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में था, जब बंटाधार बने वो, तब क्या था मध्य प्रदेश के अंदर? दुरावस्था का दौर था, सड़क बिजली पानी से लेकर के लालायक थे लोग, कानून व्यवस्था खराब थी। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने देखा है, और देश के अंदर भी आपने जो किया है, देश के अंदर भी जनता ने आपका आईना दिखा दिया। तो इसलिए कांग्रेस का मूल चरित्र ही भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का मूल चरित्र ही परिवारवाद है, कांग्रेस का मूल चरित्र ही तुष्टीकरण है, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़।